मैं सपना लोरा, वेलकम टू माय चैनल सपनास फूड वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पर्युषण स्पेशल जैन रेसिपी चावल के मुठिया। ये एक गुजराती फरसान स्नैक है और ये रेसिपी बहुत ही कम तेल में और स्टीम करके बनाई जाती है और ये बहुत टेस्टी भी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं चावल के मुठिया। चावल के मुठिया के लिए हमें चाहिए 1 कप बासमती राइस। आप यहाँ कोई भी राइस ले सकते हो। 1/2 कप गेहूं का दरदरा आटा, 1/2 कप दही, 2 टीस्पून पीसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून प्लेन वाला इनो, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, नमक और तड़के के लिए ऑयल, राई, जीरा और 2 टीस्पून सफ़ेद तिल। सबसे पहले हम चावल को अच्छे से धो के लेंगे। 2 से 3 पानी से हमें इसे अच्छे से धोना है। चावल को मैंने धो लिया है। मैंने यहाँ बासमती राइस लिया है, आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हो। तो हम अभी इसमें 1 कप चावल के लिए 1.5 कप पानी डालेंगे और इसे आधा घंटे तक भीगने देंगे। आधा घंटे के बाद हम इस राइस में 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला के, कुकर भी मैंने गैस पे रख दिया है तो हम इसमें अभी ये डब्बा रख के ढक देंगे और इसे 4 से 5 सीटी होने तक कुक करेंगे। 5 सीटी होने के बाद मैंने कुकर को बंद करके चावल निकाल लिए हैं। तो ये चावल हम अभी ठंडा करके लेंगे। इसे थाली में डाल के 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे पूरा ठंडा करके लेंगे। अभी इसकी स्टीम जाने तक हम इसे ठंडा कर लेते हैं और बाद में बाकी इंग्रेडिएंट्स मिला के इसे मिक्स कर लेंगे। चावल हमारे ठंडे हो चुके हैं। आप इसे लेफ्ट ओवर राइस से भी बना सकते हो। जो सुबह में किए हुए चावल हो तो आप शाम में इसे यूज कर सकते हो। तो अब इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, सब ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं, रेड चिली पाउडर जैसे तीखा पसंद है उस हिसाब से, हल्दी पाउडर, नमक मैंने पहले मिला लिया था तो थोड़ा सा स्वादानुसार हम थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, अजवाइन, चीनी, पिसी हुई चीनी है ये, पिंच हींग और प्लेन इनो जो मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, इसे सब मिला लेंगे। अच्छे से मसल के इसे मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें जो 1/2 कप मैंने दही लिया था, दही ऐड करेंगे। दही गाढ़ा ही लेना है, इसमें पानी यूज़ नहीं करना है। दही और चावल में से ही हम इसे गूंदेंगे और ये दरदरा जो गेहूं का आटा है वो ऐड कर देते हैं। 1/2 कप लिया था मैंने, अच्छे से मिक्स करेंगे। कम पड़े तो इसमें वापस से मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम अभी इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे।
और अच्छे से मिक्स करके लेंगे। मैंने इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, जितना दही और चावल का जो मॉइस्चर है उसमें से ही मैंने इसको गूंद लिया है। आटा हमारा मिक्स हो चुका है तो हम इसे अभी वापस से 10-15 मिनट ढक के रखेंगे। आटा हमारा गूंद के रेडी हो चुका है तो हम इसे अभी वापस से ढक के रखेंगे 10-15 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा जो गेहूं का दरदरा आटा है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। 15 मिनट के बाद आटा रेडी हो चुका है तो हम इसे अभी रोल करने के लिए हाथों पे तेल लगा के उस पर हम रोल कर लेते हैं। रोल हमें ऐसे चपटे ही करने हैं। ऐसे सभी रोल बना के हम रेडी कर लेते हैं। हल्के हाथ से इसे मसल के चपटे रोल हमारे रेडी हो जाएंगे। रोल हमारे रेडी हो चुके हैं और गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, जिसमें मैंने पानी डाल के उसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो हम अभी इसमें एक छन्नी रख के उसको ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। आप इसे इडली कुकर में भी इसे बना सकते हो। पानी को भी उबाल आ चुका है। हम अभी इसमें हमारे ये रेडी किए हुए रोल रख देंगे। थोड़ी थोड़ी जगह करके रखना है, जिससे कि इसे अच्छे से स्टीम मिल सके। इसे हम अभी 20 से 25 मिनट के लिए ढक के अच्छे से इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे मुठिया हो गए क्या। नाइफ से हम चेक करेंगे, ड्राई निकल रहा है तो इसका मतलब हो गया है। तो हम अभी इसे बाहर निकाल के फिर से 10 मिनट के लिए ठंडा करके लेंगे। मुठिया के रोल हमारे ठंडे हो चुके हैं तो हम अभी इसे कट कर लेते हैं। गोल गोल ऐसे नाइफ से कट कर लेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई भी गैस पे रख दी है गरम होने के लिए, और अभी हम इसे गोल गोल ऐसे कट कर लेते हैं। पैन गरम हो चुका है तो हम अभी इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। राई ऐड करेंगे। राई फूट गई है तो हम अभी इसमें जीरा ऐड करेंगे और पिंच हींग। जीरा और हींग ऐड कर दिया है तो इसमें हम 2 टीस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे और उसमें तुरंत ही हम मुठिया को छोड़ देंगे। इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मुठिया रेडी हो चुके हैं तो हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और गैस को बंद कर देते हैं और इसे सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। तो लीजिए, गर्मा गर्म राइस के मुठिये रेडी है। मैंने इसे लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और ग्रेटेड ड्राई कोकोनट से गार्निश किया है। तो आप भी इसे घर पे ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
और हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए।